हेलो जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो अभी सुबह का जो थोड़ा बहुत काम होता है, अभी को दूध वगैरह पिलाना, चाय पानी का, वो सब हो चुका था। और उसके पापा अपनी ड्यूटी पे जा चुके थे और यहाँ पे मैंने इस वाली बेडशीट को मतलब कि ठीक किया है और अदवी को दूसरे रूम में बिठा दिया, क्योंकि वो होता ना तो मुझे बिल्कुल भी नहीं करने देता। एक बेड की बेडशीट ठीक करने में कम से कम 5-4 मिनट लगा देता है, क्योंकि वो इसके साथ में भी खेलने लग जाता है। और आज मैंने ये कल वाला सूट ही पहन रखा है, क्योंकि क्या होता है ना, जब शाम का टाइम होता, जैसे मैंने वीडियो का एंड किया था तब मैंने मतलब कि जो हमारे नीचे की सलवार होती है ना, उस पर मैं टी शर्ट डाल लेती हूँ शाम के टाइम में, नाइट में। उसके बाद में जैसे ही मैं सुबह उठी तो बाहर वगैरह जाना होता तो मैं मतलब कि वापस अपनी कुर्ती डाल लेती हूँ सुबह उठ के। तो बस अभी जल्दी से झाड़ू लगा देंगे। बेड हमारा बिल्कुल ठीक हो चुका है, वैसे ये बेड नहीं है, जो प्लाई लग के जो चारपाई आती है ना, ये वो वाली है, लेकिन बेड जैसी ही होती है। तो चलिए अब जल्दी से सारा काम निपटा लेते हैं। अभी ने आज नेकर पहन लिया, बोलो बताओ सबको। अभी सूज भी पहन के घूम रहा है, अब क्या करेगा अभी? तो अभी फाइनली सारा काम कंप्लीट हो गया है और अभी बस थोड़ी सी मुझे भूख लगी हुई है, क्योंकि काम करते करते होता है ना, भूख लग जाती है। सुबह से मतलब वैसे ही मैंने अभी कुछ खाया नहीं है, काम में लगी हुई थी। बीच में अद्विक का काम भी, मैंगो ले लेती हूँ, इसको छील के खुद भी खा लूँगी और थोड़ा मतलब कि अद्विक भी खा लेगा। तो बस इसको थोड़ा सा मैं वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद मैं इसको छीलूँगी। और रात को हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी विशाखापट्टनम में, लेकिन फिर भी मतलब उतनी तो नहीं है कल जितनी गर्मी, लेकिन फिर भी थोड़ी सी मतलब कि गर्मी है, लेकिन कुछ राहत है आज कल को देख के भी कुछ राहत है यहाँ पे। और अब ऐसी बारिश होती है ना तो अच्छा है, नहीं तो क्योंकि एक बार होता ही है जब हम कहीं मतलब नई जगह जाते हैं ना, तो वहाँ पे मौसम है वो सूट नहीं करता हम लोगों को। और गर्मियों के मतलब मौसम में मैंगो मिल जाए ना ठंडा ठंडा, सच में बहुत अच्छा लगता है। इतना ठंडा तो नहीं होता है, क्योंकि हम फ्रिज को थोड़ा मतलब नॉर्मल पे रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा ठंडा भी खाना इस वक्त अच्छा नहीं है। तो चलिए मैं मैंगो को कट कर लेती हूँ। और ये बच्चा देखो, अरे ये मेरे पीछे पीछे घूमता रहता है सारे दिन भर, कभी इस चीज़ को कभी उस चीज़ को छेड़ता रहता है। अभी आपको मैंगो अच्छे लगते हैं?
मम्मा को नहीं खिलाओगे क्या अभी? मम्मा को नहीं खिलाओगे? छोटा, ये छोटा है, ये बड़ी खाना, बड़ा खाना है, मम्मा खा ले, लाओ आ। गुड बॉय। अरे छोटे वाला लो आप, छोटे वाला, ये बड़ा है बेबी, आपके मुंह में नहीं आएगा अभी। ओहो लग जाएगी बेबी, अच्छे से खाओ, गिर गया, हाथ से संभालो संभालो। अब कौन साफ करेगा इसको? अच्छे से साफ करना बेटा, अभी तो बड़ा हो गया है ना, अभी खुद से खा लेता है ना। एक 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 एक। तो थोड़ा बहुत मतलब मैंगो अभी ने खाया था, वो दो चार पीस खाता है, उसके बाद में छोड़ देता था, वो मैंने खा लिया था। तो उसके बाद में अभी सब्जी मतलब कि लंच की तैयारी करनी थी, तो आज मैं सब्जी में तोरई की सब्जी बनाने वाली थी, तो बस वही फ्रिज से निकाल रही थी और एक टमाटर ले लिया था। अब इनको मैं ये छलनी में इसलिए डाला क्योंकि इसमें वॉश करूँगी तो पानी निकल जाएगा और वाश बेसन में भी मतलब कि सब्जी को ऐसे नहीं रखना होगा। तो बस वैसे तो धो के रखती सब्जियों को, लेकिन फिर भी एक बार बनाने से पहले भी वॉश कर लेना चाहिए। तो बस इनको अच्छे से वॉश कर लिया है, उसके बाद में इनको मैं कट कर लूँगी। और जो मतलब कि वो छीलने वाला होता है ना, उसको चाकू को क्या बोलते हैं, कौन सा नाम आता है, शायद पटेटो किलर आता है, पता नहीं क्या आता है, मुझे नहीं पता। तो उसे मैं छील रही थी, पता वो बहुत मतलब ज़्यादा पुराना हो गया शायद, इसी वजह से उसमें फंस रही थी इसके छिलके, तो मुझे हाथ से निकालने पड़ रहे थे। उसके बाद में मैंने सिंपल वाला चाकू आता ना, उसी से मैंने इनको कट किया। तो बस अभी सारी मतलब कि ये सब्जियाँ इनको मैं कट करके रख दूँगी। उसके बाद में जैसे ही मैंने सब्जियाँ वगैरह कट की, तो ये मतलब साफ़ सफाई वाली अम्मा आती है इधर बाहर की, मतलब झाड़ू वगैरह निकालने के लिए। तो इनको मैंने जो मतलब कि होता है थोड़ा बहुत समय मतलब कि सब्जियों का कचरा वगैरह, तो वो ये मतलब लेके जाते हैं हर घर से, तो वो मैं देखे आ गई थी। उसके बाद में मैंने अभी को नहलाया, मैं खुद भी नहाई और मैंने सब्जी तो पहले कट करके रख दी थी, लेकिन प्याज वगैरह कट नहीं किए थे मैंने। तो बस मैं एक प्याज कट कर लूँगी, और वैसे भी अभी चॉपिंग बोर्ड नहीं है तो थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन अभी तो काफ़ी दिन हो गए, महीना भर हो जाएगा इधर आए हुए, ऐसे हाथ से ही कट करना पड़ता है। तो बस अभी कुछ नहीं करना है, सारा मतलब रेडी है सब्जी बनाने के लिए मेरा, और जो भी कुछ है मतलब टमाटर वगैरह कट करना, वो मैं साथ साथ में करती रहूँगी। और आटा भी मैंने पहले ही लगा के रख दिया था नहाने से पहले, बस सब कुछ रेडी है। अब जल्दी जल्दी से मुझे काम अपना कंप्लीट करना है, सब्जी को बस अभी छोंक लगाना, तो एक बार फिर से मैं सब्जी को कट करने के बाद में वॉश कर लूँगी अच्छे से। तो ये देखिए तोरई की सब्जी बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनी थी, और मतलब सब लोग ऐसे ही बनाते होंगे, सबके घर में ऐसे ही बनती होंगी, और मुझे ऐसे जो सब्जी बनती है ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अभी मम्मा ने क्या पहना बताओ? मम्मा क्या पहना? ड्रेस। नई ड्रेस पहनी है? ऑक्टोपस आ गया। आप बेड पे चलो, मम्मा खाना लेके आती है, चलो। तो अभी अपना कार्टून देखेगा और मैं उसके लिए भी खाना लेके जाऊंगी। और हाँ, अभी ने बोला आज मम्मा ने नई ड्रेस पहनी है, तो ये वाली साड़ी
मैंने मतलब कि वीडियो में शायद पहली बार ही पहनी होगी आप लोगों ने, तो ये मतलब कि 6 साल पुरानी साड़ी है। जब मेरी मतलब सगाई हुई थी तब मेरे ससुराल वाले ये लेके आए थे, तब से मतलब कि ये मैंने 2-3 बार पहनी है, मुश्किल से नहीं, मुझे नहीं पता 2-3 बार तो पहनी होगी शायद। तो बस फिर मैंने सोचा आज मैं इसको पहन लेती हूँ, क्योंकि साड़ी मतलब रेडी थी इसकी ब्लाउज वगैरह, तो मैंने सोचा पहन लेती हूँ, थोड़ा सा कुछ अलग भी करना चाहिए क्योंकि रोज़ मैं लॉ टी शर्ट में इनमें ही रहती हूँ। तो मैंने सोचा आज थोड़ा सा चेंज करते हैं अपने आप को और आज मैं भी साड़ी पहनती हूँ, क्योंकि मुझे साड़ी पहनना आता ही नहीं है, आता तो है इसीलिए मैंने पहन रखी है, लेकिन मतलब टाइम लगता है साड़ी को पहनने में मुझे, तो इसलिए मैं नहीं पहनती। और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कितना स्वेटिंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है और इन कपड़ों में तो और भी ज़्यादा लगती है। तो बस जल्दी से भी खाना डाल, आज मैंने तोरी की सब्जी बनाई है जो कि काफ़ी ज़्यादा यम्मी दिख रही है, अभी इसको मैं डाल लेती हूँ। वैसे अभी तो थाली में खाता है, उसकी लिए भी थाली में डालनी पड़ेगी, क्योंकि उसको मैं ऐसे मैश करके सब्जी को फिर खिलाती हूँ उसको, तो उसके लिए मुझे थाली में ही डालनी पड़ेगी ऐसे ही। और उसी के लिए मैं ये मतलब कि झोल वाली बोलते हैं जिसमें पानी ज़्यादा होता है, वो वाली सब्जी मैं स्पेशली अभी के लिए बनाती हूँ, क्योंकि सूखी सब्जी क्या होता है ना, बच्चे खा नहीं पाते हैं, तो इसीलिए बस ये वाली सब्जी और 2 रोटी रख लेती हूँ, क्योंकि उसके साथ में मैं भी थोड़ा थोड़ा खा लूँगी और वो भी मेरे साथ में खाता रहेगा। तो ये है हमारा आज का लंच, तो चलिए अदित्य के साथ में लंच करते हैं, पर वो टीवी देख रहा है सारे दिन, इसका बस टीवी चलता रहता है। अभी देखो सब्जी रोटी, वाह चलो उधर चलो, अभी बैठ के खिलाएगी मम्मी के खाना खाने के बाद में मैंने अद्विक को सुला दिया था दवाई दे के, दूध पिला के, और मैं भी ऐसे ही लेट गई थी थोड़ी देर के लिए, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। उसके बाद में मैंने बर्तन वगैरह साफ़ किए, अपना सारा काम कंप्लीट किया। तो मैंने अपनी साड़ी अभी मतलब कि निकाल के दूसरे कपड़े तो वाले पहन लिए हैं, और ये भी निकाल दिया है क्योंकि इसके पीछे लोहे का है, जो कि मतलब कि मेरे बैक साइड में जैसे ही मतलब गर्दन में पसीना आता ना, तो उसकी मतलब खुजली सी होने लगती है। और साड़ी को भी मैंने समेट के इसमें रख दिया है, क्योंकि काम करने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी साड़ी में, और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, इधर उधर मतलब चुभ रही थी बहुत ज़्यादा, और जैसे ही मैंने टॉप डाला इतना रिलैक्स हुआ मुझे बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं इसको रख देती हूँ, और अभी के पापा भी अभी मतलब कि ड्यूटी से आने वाले हैं, 2 दिन हो गए मैं आप लोगों को मिला नहीं पा रही हूँ उनसे, क्योंकि उनका टाइम ही ऐसा, वो सुबह में चले जाते हैं और शाम को घर में मतलब वापस आते हैं जब तक मैं वीडियो का एंड कर चुकी होती हूँ। तो आज मैंने मतलब कि सोचा कि उनके आने के बाद में करते हैं, तो वो जैसे ही आते हैं मैं आप लोगों को भी मिलूँगी। वैसे तो वो बोलते भी नहीं इतना कुछ ज़्यादा कैमरे के सामने, लेकिन फिर भी आप लोगों को भी। तो ये अपनी सिप से आ चुके थे, तो मैंने उनके लिए चाय बना ली थी, और वो दोनों पापा बेटे मतलब नहा रहे थे, वो आते ही नहाते हैं क्योंकि वैसे ही यहाँ पे गर्मी है, और फिर मतलब कि टाइम भी ऐसा चल रहा है कि नहाना ही पड़ता है। तो यहाँ पे फिर दोनों पापा बेटे अपनी मस्ती में लगे हुए थे, मैंने चाय बना ली। अभी आप अपने टॉयज के साथ खेलो, पापा जी चाय पी रहे हैं। चाय पानी तो पी लिया है, लेकिन अभी
मैंने सोचा वीडियो का एंड कर देते हैं और आप लोगों से एक मिनट बातें कर लेते हैं। और बाहर मतलब अंधेरा भी होने को आ गया है, 6:30 होते यहाँ पे अंधेरा हो जाता है, शाम के 6:30 हो चुके हैं अभी। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को मतलब इनसे मिलवा देती हूँ एक बार वीडियो का एंड करने से पहले। हेलो, राम राम जी। बस इतना ही, बस इतना ही बोलेंगे अभी इनको। क्या ना कि होता है एक बार कैमरे के सामने आने से, मुझे भी हुआ था पहली बार, और मतलब होता ही है, मेरे साथ हुआ था तब मुझे पता है। और जो लोग मतलब फर्स्ट टाइम वीडियो बनाते हैं, वीडियो में आते हैं, तब उनको भी होता है थोड़ा सा। अगर आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि अभी आप लोगों के सपोर्ट की और आप लोगों के साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारी फैमिली को और हम लोगों को। तो चलिए गाइज, आज का ये छोटा सा ब्लॉग था, मिलती हूँ आप लोगों से एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, घर में रहिए और ऐसे ही अपने परिवार वालों के साथ में खुशियाँ बांटते रहिए। तो चलिए, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर ऑल ऑफ यू।